गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। कल हम लोगों ने पहले जो हुआ था उसमें 10.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू एक्स एंड वाई आर इनवर्स वेरिएशन। मतलब पूछ रहा है कौन से ऐसे केस में एक्स और वाई इनवर्स वेरिएशन बना रहा है। तो इसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, अपने बुक में पढ़िएगा इनवर्स वेरिएशन के बारे में, तो पता चल जाएगा किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए, ये जो x और y जो दिया गया है कॉन्स्टेंट, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 × 6 48, ठीक है। फिर अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 48, ठीक है। फिर 10 × 5 ये आ गया 50, ठीक है। 16 × 3 ये भी आ गया 48, और 2 × 24 ये भी आ गया 48, ठीक है। तो हम लोगों से इन्वर्स वेरिएशन मतलब से पूछ रहा है कि अगर इन दोनों इन सभी को एक दूसरे से एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, तो सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बराबर आना चाहिए। देखिए, यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 48, लेकिन ये 50 आ गया। तो इसमें कौन से केस में पूछ रहा है, तो इसमें यस या नो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स और वाई कंपोनेंट सेम नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ 50 आ जा रहा है और बाकी जगह ये 48 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नो, ठीक है, यहाँ हो जाएगा नो। और इसी तरह से बी और सी भी आप खुद बनाएंगे, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स एंड वाई आर इनवर्स वेरिएशन, फाइंड द मिसिंग इंटरसेक्शन। तो बोल रहा है एक्स एंड वाई इनवर्स वेरिएशन में है, तो आपको ये मिसिंग इंटरसेक्शन है उनको फिल करना है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले एक्स इजिकल टू 8, वाई इजिकल टू 15। तो वेरिएशन कौन सा, इनवर्स वेरिएशन, 8 × 50 कितना आया, 120। अब सब में यही वेरिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ y कंपोनेंट 24 दिया, तो x कंपोनेंट क्या होगा, 120 / 24 5। मतलब पहला जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू है 5, ठीक है। अब सेकंड नंबर में आपको y निकालना है, x दिया गया है, तो y इज इक्वल टू 120 / 4 y का 30। मतलब सेकंड वाले का वैल्यू कितना है, 30। अब थर्ड वाले में x कंपोनेंट दिया गया है, y निकालना है, तो y इज इक्वल टू 120 / 2 60। थर्ड वाले का वैल्यू क्या आएगा, 60। इसी तरह से आप बी नंबर ही बनाएंगे, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, एक्स इज इक्वल टू 18 एंड वाई इज इक्वल टू 6। फाइंड द पॉइंट एक्स व्हेन वाई इज 27। मतलब बोल रहा है एक्स और वाई इनवर्सली वेरिएशन हो चुका है उनका, ठीक है। और हम लोग को एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया गया है, एक्स का वैल्यू 18 और वाई का वैल्यू 6। तो पूछ रहा है हम लोग को एक्स निकालना है जब वाई 27 हो, तो लिखेंगे जैसे आप मैटने में करते हैं उसी तरह से इसमें भी करना है, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स कितना है, 18, और वाई कितना है, 6, ठीक है। और वाई दिया है 27, तो हम लोग को निकालना है एक्स। लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 18 × 6, ये हो गया एक्स और वाई का वेरिएशन, इनवर्सली वेरिएशन, डिवाइड बाई 27, तो एक्स निकल जाएगा, ठीक है। 9 से काटेंगे 3 times, 9 से 2 times, 3 से काटेंगे 2 times, 4। मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, 4, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 14 men कैन डिग आउट अबाउट 5, हाउ मेनी मैन कैन डिग इट इन 7 days। मतलब बोल रहा है कौन है, डिग मतलब खोदना, ठीक है, उसको खोदा 14 आदमियों ने 5 दिन में, तो 7 दिनों में कितने आदमी उसे खोद पाए, ठीक है, 7 दिनों। तो लिखेंगे मैन डिग, 14 men कैन डू इन 5 days, इन 7 days, हाउ मेनी मैन, लेट मी एक्स, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके सामने, 7x = 14 × 5, तो एक्स इज इक्वल टू 14 × 5 / 7, ठीक है। 2 से काटेंगे 10, मतलब 10 men इसको 7 दिन में खत्म करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे। 9 cow कैन ग्रेस अ फील्ड इन 30 days, हाउ लॉन्ग विल 15 cow टेक टू ग्रेस द सेम फील्ड। तो बोल रहा है 9 cow किसी फील्ड को
30 दिन में ग्रेज करते हैं, तो 15 काउ कितने दिन में करेंगे? तो लिखेंगे काउ डेज, 9 काउ इन 30 डेज, 15 काउ लेट बी एक्सेस। अब हम सब ने मल्टीप्लाई करेंगे, 15x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 9, x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 9 बाय 15, 18 डेज, मतलब 9 काउ को 18 डेज में ग्रेस करते हैं। ओके, थैंक यू।